जनपद मुरादाबाद बिलारी तहसील के गांव मीरपुर निवासी राजकुमार पुत्र श्रीकांत अपने घर से खेत पर धान की रोपाई करने गया। इस दौरान अचानक बिजली गरजती है और गिरने से अचानक मौत हो जाती है। आसपास खेत में काम कर रहे किसान बिजली गिरती देख भाग कर पहुंचे और शोर मचाना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद ही आसपास के किसानों ने राजकुमार को जाकर देखा तो राजकुमार की हालत नाजुक थी। किसान और परिजनों ने अपने निजी वाहन से उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने हालत नाजुक देखते हुए सरकारी अस्पताल बिलारी के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टर ने राजकुमार की हालत देखी तो राजकुमार की 2 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। CSC में ड्यूटी पर तैनात अमित कुमार सक्सेना ने बिजली से मृत्यु का कारण पुष्टि नहीं की है, शंका जताई जा रही है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि बॉडी को PM के लिए भेज दिया गया है, स्पष्ट PM के बाद ही हो पाएगा। वो बिजली गिर के ये आसमान वाली आकाश वाली किस समय गिरी थी, क्या कहाँ गए थे? ये 11 बजे करीब में कहाँ गए थे? ये राजा मुड़िया धान लगाने गए थे, फिर बारिश आई तेज से बाहर बिजली गिर गई इनके ऊपर। कहाँ लेकर आए थे आप? हम लेकर आए थे पहले मुड़िया, राजा मुड़िया, उसके बाद में सरकारी अस्पताल, उसके बाद में मृत्यु। अब उसमें आपने कुछ शिकायत भेज दी किसी बात की? नहीं। अब कहाँ भेजा है बॉडी को? देखिए, एक केस आया हुआ है हमारे पास, जो तकरीबन 3:30 बजे मेरे पास एक डेड बॉडी आई, जिसमें उनके घरजनों द्वारा बताया गया कि ये आकाशीय बिजली द्वारा डेथ हुई है, लेकिन मेरी इनिशियल एग्जामिनेशन में मुझे ऐसा कोई साइन नहीं मिले, जिसके लिए मैंने उस पेशेंट को रेफ़र कर दिया है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद। देखिए, पूरी बॉडी पे ऐसे मुझे कोई इंजरी नहीं मिली जिससे कि कोई बर्न का साइन हो या कोई निशान लगा हो जिससे पता चले कि वो व्यक्ति जला है या कोई बिजली गिरी है। अब पोस्टमार्टम हमने करने भेज दिया जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है।